एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आशीष कुमार वर्मा और आज हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ लोकस के बारे में। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने बात करी थी लोकस के इंट्रोडक्शन के बारे में कि क्या होता है लोकस और किस तरह से आप इसे माइंड में इमेजिन कर सकते हैं। जो अदर फिगर्स होते हैं लाइन, सर्कल, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, उनके बारे में आप सोचते हैं तो आप लोकस के बारे में कैसे सोच सकते हैं, वो डाउट मैंने आपका क्लियर किया था फर्स्ट पार्ट के अंदर। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाइए, पहले फर्स्ट पार्ट जरूर देखिए, देन आप सेकंड लेक्चर लीजिए मेरा। तो आज हम बात करेंगे आपसे डेफिनेशन के बारे में कि प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है लोकस की। तो आइए स्टूडेंट्स हम बात करते हैं। लोकस इज द स्पेशल सेट ऑफ द पॉइंट्स विच सेटिस्फाई द सर्टेन गिवन कंडीशन। देखिए बिंदुपथ लोकस को मैंने डिफाइन किया है यहाँ पे। क्या कहना चाह रही है डेफिनेशन की, जैसा कि आपने आपसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी कि कोई पॉइंट आपको फिक्स पॉइंट दिया हुआ है और बाकी सारे पॉइंट्स उस पॉइंट से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट रखते हैं किसी सर्टेन कंडीशन के अकॉर्डिंग। की आपको एग्जाम्पल भी लेके बताया था कि स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं पांच आपस के अंदर, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 6-6 मीटर है। तो वही बात हम यहाँ पर कर रहे हैं कि सेट ऑफ पॉइंट्स हैं जो किसी सर्टेन कंडीशन के अकॉर्डिंग इस बीच वाले जो फिक्स पॉइंट है उससे जुड़े हुए हैं। चलिए अब इसको हम प्रूफ करते हैं इस चीज़ को, और इस पर 4-5 एग्जाम्पल्स हम लेकर बात करते हैं कि आपके समझ में कैसे अच्छे से आ सकता है लोकस। तो आइए स्टूडेंट्स हम सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 के बारे में, तो हमने बात कर ही ली है, तो हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 2 के बारे में। तो एग्जाम्पल नंबर 2 हमने लिया है, आपको गिवन क्या है, O इज अ फिक्स पॉइंट। देखिए मैंने O कोई पॉइंट लगाया जो कि एक फिक्स पॉइंट है, और फिक्स पॉइंट के बाद में आपको दिया हुआ है एक सर्टेन कंडीशन। सर्टेन कंडीशन क्या दी हुई है, मैनी पॉइंट्स आर सिचुएटेड एट डिस्टेंस आर। इस पॉइंट से आर डिस्टेंस पर मैनी पॉइंट सिचुएटेड है। तो देखिए मैं आपके सामने पॉइंट्स लगा रहा हूँ, ये क्या लगा दिया, यहाँ लगा दिया, मैनी पॉइंट्स है इसका मतलब बहुत सारे पॉइंट्स हैं, देखिए छोटे छोटे, और सबकी इससे जो डिस्टेंस है, इस फिक्स पॉइंट से सबकी जो डिस्टेंस है वो है आर। इससे इसकी भी डिस्टेंस आर है तो इसकी भी डिस्टेंस आर है, फिर इसकी भी डिस्टेंस आर है, सबके डिस्टेंस यहाँ पर आर है। देखिए ऐसे मैं चलता जाऊँगा धीरे 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 धीरे, और ये सारे जितने भी मैं आपके सामने पॉइंट ले रहा हूँ इन सबकी जो डिस्टेंस है वो आर होंगी, क्योंकि हमें सर्टेन कंडीशन दी हुई है और फाइनाइट पॉइंट्स हैं बहुत सारे। यहाँ भी आर डिस्टेंस है, यहाँ भी आर डिस्टेंस है, और इनफैक्ट यहाँ भी आर डिस्टेंस है। तो हमारे पास में एक फिगर बना, अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूँ, देखिए अगर मैं सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो मेरे पास में एक फिगर मिलेगा, और वो फिगर क्या होगा, यस एब्सोल्युटली आपने सही पहचाना, वो फिगर सर्कल होगा। अगर मैं इन सबको जॉइंट करता हूं, यहां पे सारे पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया और देखिए हमें एक सर्कल मिला। तो अगर आपके पास में गिवन कंडीशन क्या है कि O is a fixed point and certain condition क्या है, many points are situated, distance R, sub points के distance क्या है, R है, तो locus क्या होगा, locus होगा circle। आया आपके समझ में बात, locus क्या होगा, circle होगा। चलिए इसके बाद में हम next example के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल पे जाने से पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ यस पैरेलल लाइंस के बारे में कि पैरेलल लाइंस क्या होती है। हाँ कुछ स्टूडेंट्स को पता होगा और कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, और कुछ स्टूडेंट्स को कुछ कुछ पता होगा और कुछ स्टूडेंट्स को कुछ ज़्यादा ही पता होगा। तो हम बात करते हैं आपसे कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। तो देखिए पैरेलल लाइंस होती हैं कोई भी पेयर ऑफ लाइंस जिनके बीच में डिस्टेंस ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स हर एक पॉइंट पर, यहां पर ले लो आप, यहां पर ले लो आप, कहां कहीं पर भी ले लो, या फिर इंफिनिटी पर जाकर ले लो आप, उनकी जो डिस्टेंस है ना तो वो बढ़ती है ना वो घटती है, वो हमेशा
फिक्स रहती है, नॉट इंक्रीज नॉट डिक्रीज। अगर दो लाइंस हमारे पास में ऐसी है, सपोज दैट एल एंड एन एम, जिनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा फिक्स रहती है, तो ऐसा पेयर ऑफ लाइंस पैरेलल लाइंस का पेयर होता है। तो इस पर ही हमारा सेकंड एग्जांपल बेस्ड है, तो आइए हम उस बारे में बात करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर थ्री हम लेंगे, हमें गिवन है टू पैरेलल लाइंस एल एंड एम। तो जैसे हमने पहले वाले एग्जाम्पल में ओ फिक्स पॉइंट लिया था, वैसे हम टू लाइंस ड्रॉ करेंगे एल एंड एम। स्टूडेंट आप साथ साथ उतारते चलिए, जो भी मैं आपको बताता चल रहा हूँ सब आपको पे मैं नोट करते चलिए। आप वीडियो को पॉज करके भी सारा डाटा जो है अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। तो देखिए, गिवन है टू पैरेलल लाइंस एल एंड एम, मैंने ड्रॉ कर दी है। अब देखिए सर्टेन कंडीशन क्या दी हुई है, ये है आपका मेन पॉइंट। पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ लाइंस एल एंड एम। जो पॉइंट्स हैं, जो सेट ऑफ पॉइंट्स हैं, वो इन दोनों लाइंस से इक्विडिस्टेंट हैं। तो सोच के देखिए वो पॉइंट कहां पर आएंगे। क्या अगर मैं यहां लूंगा, देखिए अगर मैं यहां लूंगा तो देखिए इससे तो डिस्टेंस इतनी सी है, लेकिन इस लाइन से डिस्टेंस इतनी बड़ी है। क्या मैं यहां वो पॉइंट्स लूंगा, तो देखिए इस लाइन से तो डिस्टेंस इतनी सी है और नीचे वाली से देखिए कितनी लंबी कितनी बड़ी है। तो ये इक्वी डिस्टेंस तो किसी हालत में मुझे लग रही नहीं है। तो फिर मेरे माइंड में एक चीज स्ट्राइक करती है कि अगर मैं वो पॉइंट्स इन दोनों के बीच में ले लूं तो। जी हाँ स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही बताया आपने, इनके बीच में ले लूंगा मैं वो सारे पॉइंट्स जो भी पॉइंट्स हैं। और देखिए, और इन सारे पॉइंट्स को मैं क्या कर दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा। तो जो पॉइंट्स हैं सारे वो इससे भी डी डिस्टेंस पर है, एक फिक्स डिस्टेंस, और इससे भी डी डिस्टेंस पर है। इट मींस हमने बिल्कुल सही लाइन ली है बीच में दोनों के। तो देखिए, तो ये फिगर कुछ इस तरह से आएगा, ये भी डी है, डी है, डी है, और ये वाली हम लेंगे नहीं, तो इसे हम रब कर देंगे यहां से। ये देखिए आप, बट डायग्राम आपको पूरा बनाना है, पहले वो वाला ही बनाना है और आपको ये वाला ही बनाना है, बस आप इतना समझिए। तो अब एक नई लाइन हमें मिली जिसका नाम हमने दे दिया P। तो अगर आपको ऐसी कंडीशन दी हुई है टू पैरेलल लाइंस L एंड M, कोई सी भी लाइंस आपको दी हुई है और सर्टेन कंडीशन आपको दी हुई है कि जो पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंट है दोनों लाइन से, तो लोकस क्या होगा, तो लोकस क्या होगा। यस स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही कहा आपने, पेयर ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस, 1 2 3, पेयर ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस, तो ये क्या होगा, हमारा लोकस होगा। अब तीसरी वाली पैरेलल कैसे हुई, क्या किसी को डाउट है? डाउट है तो देखिए, मैंने कहा था कि दो लाइंस जिनके बीच में हमेशा डिस्टेंस सेम रहती है तो वो लाइंस पैरेलल होती है। तो देखिए इनके बीच में तो डिस्टेंस पहले ही सेम थी क्योंकि ये दोनों पैरेलल हमें गिवन थी, और तीसरी लाइन जो हमने ड्रॉ की उसकी यहां से डी है और यहां से भी डी है, यहां से डी है, यहां से भी डी है, यहां से डी है, और यहां से भी देखिए डी डिस्टेंस पर है। तो जब इससे भी डी है, इससे भी डी है, तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आ रही है इससे भी डी है, इससे भी डी है, तो तीनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल फिक्स है और सेम है। इट मीन्स ये तीनों लाइनें क्या होंगी, आपस में पैरेलल होगी। तो अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर थ्री के बारे में, सॉरी एग्जाम्पल नंबर फोर के बारे में स्टूडेंट्स। तो एग्जाम्पल नंबर फोर में हमें गिवन है एल इज अ लाइन एंड डी बी अ पॉजिटिव रियल नंबर। डी कोई पॉजिटिव रियल नंबर है जिसके बारे में हमें कुछ और जानकारी नहीं है। सबसे पहले एल लाइन हम बनाएंगे, देखिए हमने एक एल लाइन बनाई, और जो हमारा पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट में सर्टेन कंडीशन को कहता हूँ क्योंकि इसके बिना लोकस पॉसिबल नहीं है। ऑल द पॉइंट विच आर एट द डी डिस्टेंस, तो जो हमें डी दिया हुआ है यहाँ पे वो डी डिस्टेंस है जो कि पॉजिटिव रियल नंबर है। ऑल द पॉइंट्स विच आर एट डी डिस्टेंस अवे फ्रॉम एल, जो सारे पॉइंट्स हैं वो इस एल से डी डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। तो देखिए डी डिस्टेंस हम इससे मेजर करेंगे। ध्यान रखिए हमेशा जो लाइन होती है उससे परपेंडिकुलरली
परपेंडिकुलरली डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। तो अगर मैं इस पॉइंट से किसी डिस्टेंस को मेजर कर रहा हूं तो बिल्कुल परपेंडिकुलरली करूंगा, इस तरह से बिल्कुल ऐसे खड़ी 90 डिग्री एंगल पर। सपोज दैट दिस इज द डी, दिस इज डिस्टेंस अवे फ्रॉम लाइन एल एंड पॉइंट इज ए। फिर मैंने साथ में एक ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, ऐसे पॉइंट लेता चला गया, क्योंकि मुझे पता है कि बाकी सारे जितने भी ले रहा हूँ मैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है, जितने भी पॉइंट्स में ले रहा हूँ सबके बीच में जो डिस्टेंस है वो डी रहने वाली है। तो मैंने एक नई लाइन यहाँ पर इन्वेंट कर दी आपके लिए, वो नई लाइन है एम। ठीक है, अब देखिए इससे ऊपर की तरफ हमने ली थी। आप सोच रहे होंगे सर नीचे भी तो ले सकते हैं, मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल ले सकते हैं, देखिए नीचे भी लेंगे बिल्कुल 90 डिग्री एंगल के ऊपर, वही डी डिस्टेंस के ऊपर कुछ पॉइंट्स यहाँ लिया, यहाँ लिया, यहाँ लिया, यहाँ लिया, और एक लाइन वापस से नीचे की तरफ इन्वेंट कर दी और वो लाइन लाइन हमें मिल गई। देखिए एम मिली थी यहाँ पर, हमें एन लाइन मिल गई, तो ये भी डी डिस्टेंस के ऊपर है देखिए आप, और ये भी हमें डी डिस्टेंस के ऊपर सेम टू सेम मिली। तो अगर आपको ये कंडीशन गिवन है L इज अ लाइन एंड D बी अ पॉजिटिव रियल नंबर एंड सर्टेन कंडीशन है ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर एट D डिस्टेंस अवे फ्रॉम L, तो लोकस क्या होगा, लोकस क्या होगा बोलिए स्टूडेंट्स, लोकस क्या होगा, लोकस वो ही होगा पेयर ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस। तो स्टूडेंट्स हमने चार एग्जांपल्स की बात कर ली है, अब आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये टॉपिक जो है लोकस का। अब इन पर कुछ रिमार्क्स हैं जो मैं आपको लिखवाना चाहूंगा, तो आइए हम रिमार्क्स के बारे में बात करते हैं, इन्हें हम पहले लिख लेते हैं फिर इसके बारे में हम बात करेंगे। आइए तो रिमार्क है स्टूडेंट्स, इट इज कंसिडरेबल दैट ऑल फोर सिचुएशंस द पॉइंट्स फॉलो द सर्टेन कंडीशन, जितने भी पॉइंट्स हैं वो सर्टेन कंडीशन को फॉलो करेंगे। इफ द कंडीशन इज डिफरेंट, जो कंडीशन दी हुई है सर्टेन अगर वो डिफरेंट आती है किसी कंट्री किसी किसी कुछ पॉइंट्स के लिए, तो हम क्या करेंगे डिफरेंट लोकस लेंगे। इफ द कंडीशन इज डिफरेंट देन वी गेट डिफरेंट लोकस। तो अगर हमारे पास में डिफरेंट पॉइंट्स हैं, इफ द कंडीशन इज डिफरेंट देन वी गेट डिफरेंट लोकस। तो अब हम बात करेंगे स्पेशल नोट के बारे में, स्पेशल नोट बहुत ही स्पेशल होता है एक्चुअली। पॉइंट ऑफ द लोकस, लोकस का पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ द लोकस, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ लोकस, देखिए द पॉइंट विच सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन इज द पॉइंट ऑफ लोकस। सपोज मैं सर्कल में बात करूं, ये जो सारे पॉइंट्स हैं जो एक सर्टेन कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, सर्टेन कंडीशन है कि इक्वल इक्विडिस्टेंट है इस पॉइंट से, जो जितने भी पॉइंट्स हैं जो इस सर्टेन कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं वो सारे पॉइंट्स आगे कहलाएंगे पॉइंट ऑफ लोकस। सेकंड बात आपके आती है, एवरी पॉइंट ऑफ लोकस हैज टू सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, हर एक पॉइंट को लोकस की सर्टेन कंडीशन को फॉलो करना कंपल्सरी है, अगर वो नहीं कर रहा है फॉलो तो उस जो फॉलो नहीं कर रहा है उसके लिए कुछ अलग लोकस हमें लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें एक प्रॉपर एक लोकस लेना है तो सारे पॉइंट्स को उस सर्टेन कंडीशन को फॉलो करना होगा। आई होप स्टूडेंट्स कि मेरा पढ़ाया हुआ आज आप सभी को समझ में आया होगा, आप बार बार देखिए वीडियो को सब कुछ समझ में आएगा, और इस पे क्वेश्चन भी हम करेंगे और इसके आगे का भी हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आप सीरीज में चलना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है तो आप नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 वहां से आप देख सकते हैं, और आप टॉपिक वाइज भी सर्च कर सकते हैं। द लाइंस कंसेप्ट को सपोर्ट कीजिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।